आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस बीच एक बड़ी जानकारी गुरुग्राम से आ रही है, उससे आपको अपडेट कराते हैं। गुरुग्राम से अहम जानकारी, आरसीटी भूंडसी पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, शस्त्र लाइसेंस की डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ किया है, नई बनाई गई शूटिंग रेंज का भी उन्होंने अवलोकन किया है। तो आरसीटी भूंडसी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गुरुग्राम से जानकारी। शस्त्र लाइसेंस की डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ किया गया, नई बनाई गई शूटिंग रेंज का भी उन्होंने अवलोकन किया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भूंडसी पहुंचे हैं, नई बनाई गई शूटिंग रेंज का उन्होंने निरीक्षण किया है। आरसीटी भूंडसी सीएम मनोहर लाल पहुंचे हैं, जानकारी आ रही है। तस्वीरों में आप देखिए, शस्त्र लाइसेंस की डिजिटल सेवाएं जो हैं उनकी सौगात आज दी है सीएम मनोहर लाल ने भूंडसी पहुंचकर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सूरज दुहन गुरुग्राम से हमारे साथ हैं। सूरज दुहन, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भूंडसी पहुंचे हैं और शस्त्र लाइसेंस की जो डिजिटल सेवाएं हैं उनका उनकी तरफ से शुभारंभ किया गया है, फिलहाल क्या जानकारी है उनके इस दौरे को लेकर? देखिए शमशेर, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो भूंडसी के आरटीसी है वहां पर ऑडिटोरियम में शस्त्र लाइसेंस की डिजिटल सेवाएं का वहां पर विविध रूप से यहां पर उन्होंने जो शुभारंभ किया है। यहां पर अपना जो शूटिंग रेंज है उसका यहां पर अवलोकन भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी सौगात मिली है यहाँ पर जो आरटीसी भूंडसी को, क्योंकि एक नई जो रेंज जो शूटर रेंज में जो होती है तो वहां पर एक मुख्यमंत्री यहाँ पर जाते हैं और जिस तरह देखा जाए उसको अवलोकन किया गया, कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर भी है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने एक सौगात भी दी है और कुछ ही देर पहले ही यहाँ पर पहुंचे थे और आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे। जी, और कोई कार्यक्रम सीएम मनोहर लाल का आज गुरुग्राम के इस भूंडसी के अलावा सूरज, उसको लेकर जानकारी क्या है हमारे पास? देखिए शमशेर, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि करीब 5 बजे जो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद और यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ मिलकर जो केंद्रीय मंत्री राहुल द्रविड़ भी मौजूद होंगे, जो 22 किलोमीटर लंबा यानी 2000 करोड़ लागत से जो बनकर तैयार हुआ है गुरुग्राम सोना एलिवेटेड हाईवे है उसका यहाँ पर एक शुभारंभ किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक नई सौगात गुरुग्राम वासियों दी गई है, यानी 11 तारीख को उसको सिर्फ ट्रायल बेस पर खोला गया था लेकिन आज जिस तरह देखा जाए कि मुख्यमंत्री के साथ जो यहाँ पर आप पहुंचेंगे और कुछ ही देर के बाद नितिन गडकरी पहुंचेंगे, उसके बाद यहाँ पर उनका उद्घाटन किया जाएगा और एक सौगात ये प्रदेश वासियों को, हरियाणा वासियों को और गुरुग्राम वासियों को मिलती नजर आएगी। शुक्रिया सूरज दुन इस जानकारी के लिए। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंचे हैं, शस्त्र लाइसेंस की जो डिजिटल सेवाएं का शुभारंभ किया है, नई बनाई गई शूटिंग रेंज का अवलोकन करते नजर आए हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि पुलिस कर्मी भी अपने ड्रिल करते हुए दिख रहे हैं, पर अहम बात यह है कि ये सेवा जिसकी सौगात भूंडसी को मिली है शूटिंग रेंज का अवलोकन करते देखें, तस्वीरों में आप सब देख सकते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहें खबर फास्ट के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर